अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बिनाई है उसको वापस लाने वाली जो जड़ी बूटी जिसका मैंने जिक्र किया था और उस लड़के की मैंने आपको एग्जांपल दी थी और वो हकीम भी बताया था जो उनका मेहमान बन के आया था, बिस्खपरा की हम बात कर रहे थे कि बिस्खपरा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसकी वजह से आंखों की रई से रई बनाई भी वापस आ जाती है और जिनको मोतिया की जो है यानी जिनको आईसेट्स का प्रॉब्लम होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पे पाई जाती है, कैसे होती है, उसकी शनाख्त क्या है, उसका पानी कैसे निकालता है। आज मैं अपनी इस वीडियो में वो बताने जा रहा हूँ, तो चलते हैं। नजरें, पंजाब में पूरी बरसगीर में जो मैदानी एरिया है वहां पे ये बूटी पाई जाती है और बहुत ही आसान है और हर बंदे ने ये देखी हुई, बस पहचान नहीं है। ये अल्लाह का इलम है दिया हुआ, इसकी पहचान होना जरूरी है। देखो, हम पांव तले इन चीजों को रौंद रहे होते हैं और हमें इनका आइडिया भी नहीं होता कि ये कौन सी चीजें क्या अफादियत रखती हैं। तो बस खपरा क्या है, आपने इट सिट का नाम सुना होगा, ये पंजाबी जो लोग हैं इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। इट सिट का जो गोल गोल पत्तों वाली होती है वो आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल उसी की स्पीशी है, उसी इट सिट की तरह ही ये बिस्खपरा होती है। बिस्खपरा का मतलब है बहुत हैवी, बहुत एक्टिव, बहुत जहरीली, अच्छी पायदार ब्यूटी है। अब जिस तरह इट सिट होती है वैसे ही उसी जगह पे जहां पे इट सिट मौजूद होती है वहां पे ही ये बिस्खपरा मौजूद होती है, उसी की तरह पत्ते होते हैं। कह ले कि ये एक स्पीशी है, उसी की क्लास है, यानी एक ही क्लास के ये सारे हैं। इट सिट होगी, बिस्खपरा होगी, ये होगी। अब ये जहां पे आपको इट सिट नजर आ जाए वहां पे आपने देखना है, ये आपको बिस्खपरा मिलेगी। इसकी तस्वीरें जो मैं अपनी वीडियो के एंड पे वो भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप इसको आसानी से देख सके। और ये जमीन पे बिछी होती है, जमीन पे इट सिट थोड़ी सी एक आध फुट जो होती है वो ऊपर होती है, यानी उसका स्टेम होता है। इसका स्टेम जो होता है वो कह लेते हैं कि भी ये जमीन पे बिछा हुआ होता है, ठीक होगा। उसके बाद क्या है, इसके पत्ते भी गोल होते हैं, इट सिट से थोड़े से छोटे होते हैं, जमीन पे बिछी हुई थी, इट सिट के साथ ही ये मौजूद होती है। अब उसकी आपने उसको निकाल लेना है, उसको जमीन से उखाड़ लेना है। अब उसकी जो पत्ते हैं या उसका स्टेम है उसका पानी आपने नहीं निकालना, ये बात बतानी जरूरी थी। उसकी जो जड़ है, जो उसकी रूट है, उसको आपने निकाल लेना है जमीन से, थोड़ी सी होती है, उस रूट को आपने पानी में भगोना है, मतलब उसको साफ कर लेना है। उसके बाद आपने उसको जो है वो उठकर उसका जो है वो पानी निकाल लेना है, जिसको आप 10 से 15 दिन जो है वो इस्तेमाल करवाएंगे और उससे बिनाई वापस आ जाती है। कहा जाता है कि दिन को बितारे नजर आते हैं, इतनी हैवी ये है और इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये है कि दिन में एक बार ही आपने इसको इस्तेमाल करना है और एक ड्रॉप ही आपने इसको इस्तेमाल करवाना है। उस बिस्खपरा का इट सिट की तरह होती है, इट सिट की क्लास है, एक ही फैमिली है इनकी और ये जमीन पर बिछी होती है। अब याद रहे, यहां पे कहते हैं ना कि गुर गुर ही होते हैं, जो लोग सीखते नहीं है वो मार खा जाते हैं। अब नहर के किनारे तो इट्सिट बहुत ज्यादा होती है, जहां पे पानी होता है वहां पे बहुत ज्यादा होती है, तो आप वहां से ले आएंगे, कोई फायदा नहीं होगा इसका, इस बिस्खपरे का कोई फायदा नहीं होगा। फायदा कौन सा देगा ये भी बात है, बिराने इलाके वाले मैदानी इलाका, उस जगह वाला बिस्खपरा आपने लेना है जहां पे पानी ना पहुंचा, जहां पे पानी ना हो, खुश्क जमीन, सख्त कले जो होती है हमारी, जो चिकनी मिट्टी होती है वो वाली जमीन से आपने उसको उखाड़ना है। मतलब नहर के किनारे, नाले के किनारे, नदी के किनारे वाली इट सिट या उस ये जो बिस्खपरा है वो आपने लेना, आपने उस तरफ रुख करना है जहां पे पानी का मौजूद ना हो, सहराई इलाका। मतलब हर जगह पे, हर गांव में सहराई एरिया होता है, सहराई जैसे मुराद क्या है कि जहां पे पानी टीला वगैरह है, जहां पे खुश्क एरिया है, जहां पे पानी नहीं बन